देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर पिछले लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन जब आप राजधानी की सड़कों पर निकलेंगे तो पता चलेगा कि क्या यही स्मार्ट सिटी है। दरअसल यहाँ स्मार्ट सिटी का काम कछुए की चाल से भी धीमी चाल में चल रहा है। कभी सड़क बन जाती है तो कभी वही सड़क बनने के बाद टूट जाती है। अब आप रेलवे स्टेशन की सड़क का नजारा ही देख लीजिए। यहाँ आए दिन पर्यटक आते हैं, लेकिन सड़कों की दशा देखकर प्रदेश की कैसी छवि उनके दिमाग में उतरेगी ये आप भली भांति समझ सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अमित रतुड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर काफी लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जो बातें की जा रही हैं वाकई में वो धरातल पर कितनी सार्थक साबित होती हुई नजर आ रही हैं। आप ठीक मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बोर्ड आपको दिखेगा जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि वर्क इन प्रोग्रेस स्मार्ट सिटी देहरादून। इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको ऐसे बोर्ड तमाम जगह आपको देहरादून में देखने को मिलेंगे। पीछे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर काम चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर देहरादून की ऐसी तस्वीरें आपको निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर इसी तरह के बोर्ड लगे हुए सामने हैं। और अगर मैं आपको ठीक सामने भी दिखाऊं तो वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं है, किसी तरीके के वहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि रात के वक्त कभी भी हादसा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तस्वीर मैं आपको फिर दिखाऊँगा कि किस तरीके से देहरादून में खास करके सड़कों को लेकर जो बातें की जाती हैं। हर साल बरसात होती है, बरसात के बाद सड़कों की हालत ख़राब होती है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों की मरम्मत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों की स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों की हालत कुछ ऐसे ही की जाती है। अगर मैं आप ये गाड़ियां आ रही हैं, ये मैं प्रिंस चौक पे मौजूद हूँ, आपको ये भी बता दूँ, और इसी के बगल में रेलवे स्टेशन है जहाँ से तमाम जो टूरिस्ट हैं यात्री हैं वो आते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए किस तरीके से सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है, जर्जर है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप देहरादून में हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप किसी गाँव में हैं और गांव में रहकर आप गाड़ी चला रहे हैं। देखिए किस तरीके से वाहन जो है गुजर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोग ड्राइवर हैं, जिस तरीके से सड़कों की हालत ख़राब है, इनके बाद क्या कहेंगे आप? स्मार्ट सिटी के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन देखिए आप किस तरह से क्या कहेंगे आप? सही नहीं है काम, रोड खराब है। तो आप लोग पूरे शहर में घूमते हैं, स्मार्ट सिटी के ऊपर काम चल रहा है, आप मानते हैं इस तरीके से देहरादून स्मार्ट बन पाएगा? नहीं, रोड खराब ज़्यादा हो गई ना, जान का भी खतरा रहता होगा, खासकर रात में, कोई भी चाहे आप लोग हों या जो अन्य जो लोग अपने व्हीकल से चल रहे हों, टू व्हीलर से। भाई साहब रोड तो खराब है ही है, गड्ढे वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, रोड अच्छी होनी चाहिए, शहर की राजधानी है। देखिए राजधानी है, लेकिन सड़कों की हालत वाकई में जर्जर है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से गुजरते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। आप देखिए फिर से आपको दिखाऊं मैं किस तरीके से जो वाहन हैं वो गुजर रहे हैं, टू व्हीलर हों चाहे फोर व्हीलर हों, ये सब तमाम जो वाहन हैं गुजर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे। खास करके अगर हम बात करें रात के वक्त काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं लोगों को, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। ऐसे में आप ये समझिए कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी क्या ऐसे बन पाएगी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं। भाई साहब जिस तरीके से आप लोग गाड़ी चलाते हैं, जिस तरह सड़कों की हालत, इस तरीके से क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अजी बस सरकार तो बेकार होगी, नया विक्रम है इसकी भी ऐसी की तैसी होगी। मतलब महीने में जो कमाते हैं इस गाड़ियों में लगाते हैं, ये नहीं कि जो गड्ढा खोद दिया उसे सही करा दें, खोद के घेर देंगे और बस, जाम भी दुनिया भर का इसी की वजह से लगता है। अच्छा एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, सरकार ने कहा कि भाई हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे देहरादून को, लेकिन आप लोग पूरे दिन भर घूमते रहते हैं जगह जगह, हालत ये आप इसी तरह से देखते हैं? इसी तरह से जो सवारी बैठती है वो भी कहती है कि स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है। जो बाहर के लोग आते हैं ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी ऐसी होती है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, बहुत गंदा कहते हैं लोग बाग। सरकार को देखना चाहिए इस बारे में, नई नई गाड़ियों के भी ऐसी की तैसी हो रखी है, मेंटेनेंस आता है ज़्यादा, सही करवानी चाहिए। तो देखिए ये ड्राइवर हैं और इनका यही कहना है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार जो वादे करती है वो धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सड़कों की हालत इस तरीके से जर्जर है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में सरकार को ये देखना चाहिए। देखिए बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं और ये प्रिंस चौक का दृश्य है, और ऐसे ही दृश्य आपको पूरे शहर के भीतर
तमाम जगहों पर आप निकल जाएंगे तो आपको सड़कों की हालत इसी तरीके से खुदी हुई मिलेगी। सड़कों के ऊपर किसी तरीके से हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के हम बात के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से सड़कों को खोदने के एक दिन आदेश दे दिए जाते हैं। जो सड़क बनी हुई होती है उसको खोद दिया जाता है, उसके बाद उस सड़क के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसी तरीके के जो हालात हैं पूरे शहर भर में, देहरादून जिसको राजधानी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये धब्बा लगता हुआ नजर आ रहा है राजधानी देहरादून के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तमाम टूरिस्ट आते हैं, दूर दराज से आते हैं और बगल में ही रेलवे स्टेशन भी है। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से अमित राठौर की रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।